हाय एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर पल्लवी एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के बीच में आई हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के साथ इंटरेक्शन करके, आप लोगों का प्यार मिल रहा है, आप लोग सवाल पूछ रहे हो, मुझे जवाब देने का भी मौका मिल रहा है। थैंक यू वेरी मच फॉर कनेक्टिंग विथ मी। और आज एक नए वीडियो के साथ आई हूँ और आज मैं बात करूँगी एक ऐसे शैम्पू के बारे में जिसका आप रेगुलर इस्तेमाल करते हो और कर सकते हैं अपने डॉग में या तो फिर अपने पपी में, और जो कि बहुत ही अमेजिंग टिक एंड फ्ली, एंटी टिक एंड फ्ली शैम्पू है। तो आज इसी के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये है शॉफ्टस शैम्पू जो कि इंटास कंपनी से उन लोगों ने बनाया है। तो इंटास कंपनी एक ट्रस्टेड कंपनी है। तो ये शॉफ्टस शैम्पू मैं अपने पपी के लिए इस्तेमाल किया करती हूँ एंड इट इज़ रियली रियली अमेजिंग अगेंस्ट टिक एंड सॉफ्ट स्किन, जो मतलब अपने पपी के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो। सॉफ्ट ऑन स्किन का मतलब ये है कि ये आप पपी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो एंड ऑब्वियसली द पपी शुड बी एटलीस्ट 2 months ओल्ड या फिर एटलीस्ट 50 days ओल्ड टू यूज़ शैम्पू ऑन हिम। नाउ ये कंट्रोल या फिर प्रिवेंट करता है लाइस, माइट्स एंड फ्लीज एंड टिक्स। मतलब प्रिवेंट करने का मतलब ये है कि इसको दूर रखता है, मतलब टिक्स वगैरह जो फ्लीज वगैरह है ये दूर रखता है अब उनके जो डॉग एंड डॉग्स के बॉडी से। नाउ इसमें अमेजिंग इंग्रेडिएंट्स हैं और आप इसको आप किस तरह से इस्तेमाल करते हो मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहती हूँ। सबसे पहले तो आप ल्यूकवार्म वाटर से अपने डॉग को अपने पपी को थोड़ा सा वेट कर लीजिए, फिर उसके बाद ये सॉफ्टस्ट शैम्पू आप इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बॉडी में अच्छे से मसाज दीजिए और 5 to 10 minutes उसको लीव कर दीजिए, उसको ऐसे ही रहने दीजिए ताकि ये काम कर सके उसके स्किन के ऊपर, उसके हेयर के ऊपर और जो भी पैरासाइट्स हैं उनके ऊपर। उसके बाद आप अच्छे से उसकी बॉडी को धुला दीजिए, मतलब रिंज कर दीजिए वाटर से, ल्यूकवार्म वाटर से या तो फिर नॉर्मल वाटर से डिपेंडिंग ऑन योर वेदर। और फिर उसके बाद आप देख सकेंगे कि बहुत सारा टिक एंड फ्ली उसकी बॉडी से मतलब निकल गया है। जब मैंने पहली बार इसका इस्तेमाल किया था मेरे पपी में क्या था, मेरे पपी में लाउस थे, मतलब बहुत सारे लाइस मतलब जुए जो बोलते हैं ना, जुओं का लाइक इन्फेस्टेशन था, टिक एंड फ्ली नहीं था। तो मैंने इसका इस्तेमाल किया और उसके बाद जब मैंने पहली बार उसको नहलाया तो आई सॉ लॉट ऑफ माइस वेयर लाइक गोइंग आउट वाटर के साथ, मतलब वो बेहोश हो जाते हैं या तो फिर वो मर जाते हैं और ये पूरी तरह से पानी से आप इसको धो के बाहर निकाल सकते हो। तो इट्स वेरी गुड, ये रेगुलर इस्तेमाल कर सकते हो हफ्ते में, हफ्ते में आप एक बार इस्तेमाल कर सकते हो, मतलब महीने में आप एटलीस्ट 4 times अपने डॉग को नहला सकते हो अगर आपका वेदर गर्म है तो। अगर बहुत ही कोल्ड वेदर है तो आप महीने में 2 बार नहला सकते हो। इट्स अ सेफ शैम्पू बट इसमें एक कोन है, मतलब इसमें एक कॉशन लेने वाली बात है, वो है आप इसको कैट के अगेंस्ट, मतलब कैट में आप इसका इस्तेमाल कभी मत कीजिएगा। इट इज़ लिटिल पॉइजनस फॉर द कैट क्योंकि वो लिक कर सकते हैं और दिस इज़ नॉट वेरी सेफ फॉर द कैट। ये कैट के लिए क्यों सेफ नहीं है उसके बारे में भी मैं आपको बता देना चाहती हूँ। इसमें परमिट्रिन है जो कि एक मतलब पॉइजनस प्रोडक्ट है फॉर द कैट्स नॉट फॉर द डॉग्स। सो अगर उन लोगों ने ज़रा सा भी ट्रेस कैट के बॉडी में रह गया इस शैम्पू का तो और वो लीक कर लेते हैं तो उसमें मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो प्रॉब्लम्स है वो क्रिएट हो सकते हैं ड्यू टू द परमिट्रिन पॉइजनिंग। सो डोंट यूज़ इट ऑन कैट्स बट इट इज़ वेरी सेफ एंड अमेजिंग अगेंस्ट टिक एंड फ्ली एंड लाइस एंड माइट्स फॉर द डॉग्स। ओके, तो आप इसको सेफली डॉग्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसको आपको रेकमेंड इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं पर्सनली अपने डॉग में, अपने पपी में जो अभी बड़ा हो रहा है धीरे धीरे 2.5 months का है वो, उसको मैं इससे नहलाती हूँ। इट्स वेरी गुड, इसमें एलोवेरा है सो इट इज़ नॉट हार्श ऑन स्किन, मतलब वेरी सॉफ्ट ऑन स्किन। और इसके इस्तेमाल से मैंने अपने बहुत सारे डॉग्स में क्या होता है कि आफ्टर शैम्पूइंग आप देख सकते हो कि उनमें रूसी मतलब डैंड्रफ का प्रोडक्शन होता है। तो मैंने कभी भी अपने डॉग में ड्राई स्किन का प्रॉब्लम नहीं पाया आफ्टर यूजिंग दिस सॉफ्टस बिकॉज इसमें एलोवेरा है। सो
आपको भी जानना चाहिए कि किस तरह से, किस तरीके का शैम्पू आप इस्तेमाल करते हो अपने डॉग के लिए, क्योंकि शैम्पू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर शैम्पू अगर आपने आपके डॉग को मैच नहीं खाया अच्छे से, वो मैच नहीं हुआ अपने डॉग की स्किन के साथ, सो इट्स गोइंग टू बी रियली डिफ़िकल्ट। मतलब डैंड्रफ का प्रॉब्लम होगा, हेयर फॉल का प्रॉब्लम होगा। तो इसलिए मैंने ये शैम्पू चुना अपने डॉग के लिए। मैं इसका रेकमेंड कर सकती हूँ आपको, आप चाहे तो इसका इस्तेमाल कर सकते हो अपने डॉग के लिए। तो दिस इज़ इट। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और सबसे बड़ी बात चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबा के मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए टू बिकम माई फैमिली। थैंक यू वेरी मच।